क्या हाल है, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ बहुत ही इफेक्टिव और हाईली रिकमेंडेड होम रेमेडी। सो मेरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आए चलिए, सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे चीनी, चीनी यूज़ करेंगे शुगर। शुगर जो होते हैं वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारी स्किन को इंसुलेट करता है और हमारी स्किन को जो है वो वाइटनिंग का काम देता है, और ये एज अ स्क्रब भी यूज़ कर सकती हैं। ठीक हो गया माई यूट्यूब फैमिली। उसके बाद हम लोग इसमें यूज़ करेंगे ये है टमाटर, जिसे हम टोमेटो भी कहते हैं। इसका हमने जूस डालना है। ये जूस जो होता है हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारी स्किन से जितनी भी गंदगी होती है, जितने डस्ट पार्टिकल्स होती हैं, जितना हमारी स्किन टैन हुई होती है, उस सब को जो है वो ये रिमूव कर देता है। आपने इसके अंदर जूस ऐड करना है। ये आप ये देखें, हम नींबू का जूस आपको ऐड करके दिखा रहे हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद हम लोगों ने इन तीनों चीज़ें नींबू का जूस निकाल रहे हैं हाथ की मदद से। हमने जो मिक्सर तैयार किया था ये आप लोग देख सकते हैं। मैं दोबारा बता देती हूँ, इसके अंदर हम लोगों ने जो है वो शुगर ऐड की है, उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर टमाटर का जूस ऐड की है, और उसके बाद हमने इसके अंदर लेमन ऐड किया है। फिर लेमन और इन तीनों चीज़ों को हमने मिक्स करने के बाद हमने जो वो नींबू जो हमारा बच गया था, बस उसको इसके अंदर टैप करके ना, और हमने सर्कुलर मोशन में, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल सर्कुलर मोशन में आप लोगों ने इस तरह इसको करना है। सर्कुलर मोशन में आप लोगों ने अप्लाई करना है। इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे कि आप भी, आपने बहुत अच्छा हमें नुस्खा बताया था। ये मैं अपना टिश्यू हो गया, कॉटन बॉल्स होगी, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अप्लाई रिजल्ट्स इसके, ये देखें कैसे उतारना है। ये आप टिश्यू की मदद से, टॉवल की मदद से भी उतार सकते हैं। देखिए कितना ज़्यादा बिफोर एंड आफ्टर जो है ना, 15 मिनट्स बाद ये रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। ये देखें, पहले जो है ना हमने उसके पिगमेंटेशन ख़त्म करने के लिए लेमन डाला था, ठीक है, उसके अंदर शुगर डाली थी, और उसमें हमने टमाटो यूज़ किया था, ठीक है। उसके इफ़ेक्ट्स मैं आपको दिखा दूंगी। और आफ्टर जो है पिगमेंटेशन, हमने ये मास्क अप्लाई करना है। इसमें हमने क्या क्या यूज़ करना है, योगर्ट यूज़ करनी है, ठीक हो गया, बेसन का इस्तेमाल करना है, और थोड़ी सी शुगर ऐड करनी है। देखिए ये हमने तीनों चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब इसको देखिए मिक्स किस तरह करना है। चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना, इसका पेस्ट बना लेना है। ये देखें, ये अभी आप देख सकते हैं कि हमने बेसन और दही को दोनों को मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद हम लोगों ने जो है वो अब इसकी गर्दन के ऊपर अप्लाई कर रही हैं। सर्कुलर मोशन में आपने गर्दन को मूव करवाना है।